स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है यहाँ पर चार्जिंग पिन जो है चार्जिंग पोर्ट चार्जिंग जैक इसको जो है रिप्लेस करने का जो है बेहद आसान तरीका बताने वाले हैं, वो भी जो विदाउट हॉट एयर गन का जो है बिना यूज किए जो है इसको आप रिप्लेस कर पाएंगे। अभी मेरे पास जो है ये चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर, इसको जो मैं आपके यहाँ पर इसमें रिप्लेस करके आपको इसमें दिखाऊंगा। अभी फिलहाल जो है मेरा चार्जिंग पोर्ट इसमें खराब है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है मेरा बिल्कुल जो है जैसे लगा हुआ रहना चाहिए वैसे तरह से यहाँ पे जो है लगा हुआ है। इसको हम आपको रिप्लेस करके दिखाएंगे, वो भी बिना हॉट एयर गन का। तो यहाँ पर जो है इसको रिप्लेस करने के लिए मैं यहाँ पे इसको स्टैंड में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है इसको आपको इसमें फ्लक्स दे देना है, फ्लक्स पेस्ट। यहाँ पर जो है मैं फ्लक्स जो यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिक का UB80 मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अच्छी क्वालिटी का है। आप जो भी फ्लक्स इसमें यूज करें वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, तो आपका काम जो है वो परफेक्ट होगा और सही तरीका से जो है आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर भी फ्लक्स दे देना है। अब यहाँ पर फ्लक्स देने के बाद आपको जो यहाँ पर जो आपको कुछ इस तरह से ले लेना है चार्जर वाला, कहीं पर इसको जो है आपको कट करके इसमें ले लेना है। और लेने के बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरह से इसमें लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरह से इसको आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो मैं यहाँ पे लगा लिया हूँ, अब यहाँ पर जो है इसको मैं इसमें हीट करूँगा सोल्डरिंग आयरन से, और फिर इसको जो है एक हाथ से इसको आपको खींचना है इस तरह से, मतलब हीट होने के बाद। पहले आपको नहीं करना, नहीं तो आपका जो प्रिंट है वो आपका प्रिंट निकल जाएगा। अभी जो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है प्रिंट व्रिंट जो भी है बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीका से है, तो यहाँ पर जो है मेरा प्रिंट भी इसमें डैमेज नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से हीट करना है और एक हाथ से जो है आपको इसमें खींचना है ये आपका हीट होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको हीट करते रहना है, मतलब कुछ देर आपको एक मिनट तक आप हीट करेंगे तो आपका जो है ये आपका चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। आपको ज़्यादा भी देर तक हीट नहीं करना है, एक मिनट के आसपास आपको हीट करना है। और कुछ इस तरह से आपको आपको जो है इधर साइड साइड से इसमें आपको जो है जितना भी सोल्डिंग है उसको जो है आपको इसमें छुड़ाना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इधर मेरा इसमें आयरन यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पर जो है जगह नहीं बन रहा है, इसको मैं यहाँ पे स्टैंड से बाहर कर लूँगा और फिर इसको जो है मैं यहाँ पे रिमूव करके आपको इसमें दिखाता हूँ। ये जो है मेरा रिमूव जो है बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीका से होगा और अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर किसी किसी में अगर आपका यहाँ पर जगह रहेगा तो आपका स्टैंड में भी लाप लगा के कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम इसी तरह से इसमें रिमूव करके आपको इसमें दिखाते हैं। पहले जो है आपको यहाँ पे सभी पिनों को ही यहाँ पे करना है और इस तरह से आपको आयरन जो है आपको चलाना है। थोड़ा स्पीड यहाँ पे आयरन इसमें चलाएं तो फिर आपका जो है अच्छे से आपका मतलब सभी पॉइंट में जो है आपका हीट रहेगा, तो आपका अच्छे से जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरा ये रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मेरा जो प्रिंट है वो बिल्कुल जो है यहाँ पे सेफ है, कहीं पे कोई भी जो है इसमें मेरा प्रिंट जो है डैमेज नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको इसमें क्लीन करके भी इसमें दिखाते हैं। तो देख सकते हैं अब आपको इसको हम अच्छे से इसमें क्लीन कर लेते हैं। सोल्डिंग वायर से इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगा और यहाँ पर जो है मैं इसमें जो नया इसमें चार्जिंग पिन जो है उसको मैं यहाँ पर इसमें लगा दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है इसमें जो है बिल्कुल जो है अच्छे से क्लीन हो गया है। अब यहाँ पर जो भी इसमें आपको न्यू वाला चार्जिंग पोर्ट इसमें लगाना है चार्जिंग पिन उसको भी जो है यहाँ पे इसमें प्लग्स देखिए ये सभी पांचों पिन में जो है आपको इसमें सोल्डिंग इसमें कर देना है पहले। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीका से और मतलब अच्छे मतलब अच्छी तरह से मेरा जो है इसमें लग गया है
यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसान तरीका से और कितना जो है मेरा सही तरीका से जो है और सही जो है पर तो देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल जो है हो गया। आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से जो है आपको रिपेयरिंग के रिलेटेड बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।